तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे कि मेरा नाम है आफ्ताब और आप देख रहे हो टेक्निकल मैकेनिकल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोलो का बैलेंसर का टाइमिंग कैसे मिलाया जाता है, बहुत ही आसानी से एकदम। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो अभी नया है चैनल पे, और चैनल वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अभी हम शुरू करते हैं हमारा बैलेंसर का टाइमिंग कैसे मिलाना है। बहुत ही ईजी तरीके से मिलता है गाइस। बहुत से लोग परेशान रहते हैं बैलेंसर का टाइमिंग पे, और क्यों ना रहे परेशान, क्योंकि ये टाइमिंग ही ऐसा बैलेंसर का कि अगर हल्का सा भी रॉन्ग हो गया कि गाड़ी इतनी भयंकर वाइब्रेशन करती है और गाड़ी का बहुत से पार्ट्स खोलना पड़ता है उसकी वजह से। तो गाइज़, ये देख सकते हो आप हमारी जो चैन है और एक जो गियर आता है गाइज, जो ये देखो मैं बता देता हूँ आपको, पहले तो टाइमिंग के मार्क दिखा देता हूँ आपको मैं अच्छी तरीके से। टाइमिंग के मार्क पहले चैन देखो, इस तरीके से बैठेंगी इसकी चैन, यानी ऐसी क्रॉस में बैठती है चैन। कई लोग ऊपर से बिठा देते कभी कभी, वैसे बैठती नहीं है लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग रहती है कि बैठ जाती है कभी कभी। तो ये देखो, अभी हम इसको टाइमिंग पे ले लेंगे केम को, सॉरी क्रैंक के गियर को और बैलेंसर के गियर को। आपको ये नीले हरे कलर के मार्क दिख रहे होंगे चैन पे गाइस, तो वही मार्क के हिसाब से हमें टाइमिंग मिलाना है। और कौन सा मार्क कौन से तरफ रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखो ये दो मार्क दिख रहे हैं यहाँ पे, और एक सिंगल मार्क यहाँ दिख रहा है। तो गाइज, अगर दोनों तरफ से बिठाएंगे तो दोनों तरफ से मार्क दोनों तरफ आ सकते हैं। देखो, ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर है, और ये देखो एक कट यहाँ दिया हुआ है। तो अभी देखो, ये जो दो मार्क, ये देखो सिंगल, ये दो मार्क वाला जो है ना चैन का, जैसे कि चैन में दो मार्क दिए हुए हैं, वो बैठेंगे बैलेंसर की टाइमिंग पे। ये देखो बैलेंसर की टाइमिंग पे बैठ गया है दो मार्क वाला इस तरीके से, और जो सिंगल मार्क वाला है वो बैठेगा क्रैंक केस पे। ये देखो, हल्का इसको घुमा लेंगे क्योंकि रॉन्ग जा रहा है ये। जैसे कि ये देखो, अभी यानी हल्का एक दाता और घुमाना पड़ रहा है। ये देखो, ये आ गया अभी अपना टाइमिंग गाइस। और ये देखो, अभी जो गियर आता है, जो छोटा गियर होता है, ये खोल ले आप टाइमिंग मिलाने से पहले, क्योंकि चैन ऐसी नहीं बैठती ये छोटे गियर की वजह से। तो ये छोटा गियर खोलना ज़रूरी रहता है, तो ये छोटा गियर हमेशा यानी अगर मिला रहे इसका टाइमिंग, तो खोल ले आराम से आसानी से। और इसकी पोजिशन भी जो रहती है गाइज, जो पहला पिस्टन होता है वो जो है वो टॉप पर होता है, और ये जो क्रैंक का पोजिशन जो है वो हल्का रॉन्ग होता है, यानी जो बैलेंसर का पोजिशन है, और पहला पिस्टन टॉप पे आएगा। यानी बैलेंसर का टाइमिंग मिलाते समय पहला पिस्टन जो है गाइस टॉप पे आ जाता है इसका। तो इस तरीके से इसका टाइमिंग मिलाया जाता है गाइस। इसका टेशनर भी हमने नया डाला एकदम। टेशनर भी किस तरीके से बिठाया जाता है टेशनर भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि टेशनर बहुत अजीब सा टेशनर है इसका, जो चैन को जो टाइट रखता है वो टेशनर बहुत अजीब सा इसका, वो भी बताऊँगा कैसे बिठाना है आपको। जैसे कि आपको पता ही होगा गाइस, अभी रमजान चालू है, तो यानी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रह रही है, क्योंकि गला बराबर नहीं रह रहा है, और यानी थोड़ा यानी टाइम नहीं मिल पा रहा है रमज़ान में, क्योंकि रोज़े रहते हैं, नमाज़ रहती है, उस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ रेगुलर, तब भी जैसे भी मिल रहा है वीडियो का टाइम तो बना के मैं डाल ही रहा हूँ। आप बेफिक्र रहें, आपका भाई कहीं नहीं जाने वाला है। और ये देखो, ये रहा बैलेंसर हमारा, बैलेंसर का जो टेशनर होता है गाइस, सॉरी। तो इसको हल्का हल्का एकदम माइनर बॉन्ड लगाना है हमें, कि थोड़ा इन्हें उस पर विश्वास रहे अपने को, इस वजह से हल्का हल्का बॉन्ड लगाना, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल एकदम बारीक पतला। ज़्यादा लगाएंगे तो फिर इन्हें वो दबकर अंदर यानी फंसने का डर रहेगा उसमें, तो एकदम पतला पतला लगाना है। हम भी पूरा माइनर सा लगाएंगे एकदम। इस तरीके से बॉन्ड लगा के हमें इसे इस तरीके से यानी इस पर इंस्टॉल करना है, यानी बैलेंसर पे ब्लॉक पे। तो गाइज, ये देख सकते हो आप हल्का, यानी चाबी अट रही है तो चाबी को हल्की बाहर निकाल लेंगे। और गाइज, तीन बोल्ट पे टाइट होता है ये, जो बैलेंसर के छोटे छोटे बोल्ट होते हैं स्टार वाले, उस पर टाइट होता है। ये देखो, ये वाले बोल्ट हैं,
और गाइस बोल्ट कोई और भी ना डाले इसके अंदर, क्योंकि बैलेंसर भी क्रैक हो सकता है अंदर से, क्योंकि ये बैलेंसर पे टाइट हो रहा है, इस वजह से कोई बोल्ट भी अलग अलग ना डाले आप इसके अंदर में, वही बोल्ट डाले इसके अंदर, और वही अगर मिल सके वही साइज़ के बोल्ट भी डालेंगे तो चलेंगे उसके अंदर में। ये देखो इस तरीके से यानी ये बोल्ट, और इसका ज़्यादा टॉर्क नहीं रहता गाइज, एकदम नॉर्मल सा टॉर्क रहता है इसका। तो जैसे कि आपने टाइमिंग देख लिया गाइज अभी, यानी ये वाले जो दो मार्क है हरे वाले वो हमें ऊपर रखना है जो बैलेंसर पे है, और जो सिंगल मार्क है गाइज वो हमें रखना है क्रैंक पर। तो इसका आप ध्यान रखें, कई लोग उल्टा भी मिलाते हैं इससे, लेकिन ज़्यादातर सही पोजीशन यही है और उल्टा भी बैठता है, लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि यही पोजीशन पे बिठाए इसे, यही राइट रहेगा एकदम। तो गाइज इस तरीके से मिलाया जाता है पोलो का बैलेंसर का टाइमिंग, और बहुत सी यानी TDI इंजन जो होता है गाइज उसमें ज़्यादातर गाड़ियों का टाइमिंग जो है सेम होता है इसका यानी बैलेंसर का। तो अगर आपको कोई और भी गाड़ी में प्रॉब्लम है तो आप इससे नॉलेज लेके उसमें यानी समझ सकते हो कैसे क्या है करके। और जो गाइज अभी तक के हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइज़ और भी ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे चैनल की, तो आप हमारे से और भी नॉलेज लेते रहोगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अभी बाकी का यानी काम जो है वो भी यानी प्रोसेसिंग में है, देख सकते हो आप यानी अभी यानी बोल्ट वोल्ट पूरे एकदम अच्छे से टाइट करना है, कभी कभी बोल्ट भी भूल जाता है इंसान। ये देखो ये भी यानी यहाँ पे ये आ गया मार्किंग, और ये मार्किंग यहाँ आ गया, ये देखो ये दोनों भी मार्किंग आ गए अभी बराबर बिल्कुल परफेक्ट। देखिए आपने यानी इस तरीके से बैठता है, ऐसी होता है बैलेंसर का टाइमिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।